को नष्ट करने वाले ये त्रिविध ईषणा हैं, उन्हीं को काम कहा है गीता में भगवान ने। और तुलसीदास जी ने उनकी और भी व्याख्या कर दी, सुत बितलो ईषणा तीनी कही करमती इन कृत न मलिन। कौन ऐसा दुनिया में हुआ जिसकी बुद्धि को भ्रष्ट करने वाली ये तीन प्रकार की ईषणा न हो, सुतीषणा। सुतीषणा माने हमारे ढेर सारी संतान हो जाए, सुयोग्य संतान हो जाए। कुंती और माद्री के तो तीन और दो बच्चे हुए, और जब गांधारी ने प्रणाम किया तो व्यासदेव ने कहा कि सतपुत्री भो, सौ पुत्रों की मां भो। खुश हो गई वो, मेरे सौ पुत्र होंगे। और सही में उसके सौ पुत्र हुए, ये तो पता है ना। लेकिन सौ पुत्रों ने गांधारी के नाम को रोशन किया या कुंती के तीन पुत्रों ने? सोचो पहले, आपको भारत में बहुत देवियां हैं जिसका नाम कुंती होगा, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिन्होंने अपने बच्ची का नाम गांधारी रखा। आप लोगों में किसी रखा गया? मेरे विचार से नहीं रखा गया। हालांकि गांधारी बिचारी कोई कसूर नहीं था। गांधारी क्या कसूर था? उसने तो हमेशा अच्छी सलाह दी दुष्ट दुर्योधन को। लेकिन याद रखो, जब कुपुत्र उत्पन्न हो जाए, कुसंतान उत्पन्न हो जाए, तो उसका जो परिणाम है वो माता पिता को ही भोगना पड़ता है। इसलिए सुतीषणा जो मनुष्य के लिए सबसे बड़ी ईषणा है, पुत्र होगा तो सुख मिलेगा, लेकिन कितने पुत्र सुख देने वाले हैं? अब आजकल के जमाने में भगवान ने भला कर, एक व्यक्ति के पिता की मृत्यु हो गई। लड़का मेरे पास आया करता था, यंग लड़का था। मैंने उसे ऐसे अफसोस व्यक्त करते हुए कहा कि बेटे सुना तुम्हारे पिता का स्वर्गवास हो गया, बड़े दुख की बात है। वो कहता है गुरुजी इसमें दुख की क्या बात है, पिताजी को जाना था चले गए, अच्छा हुआ। और आपके मुंह से मैं सुन रहा हूं कि मेरे पिता का स्वर्गवास हुआ, लेकिन मैं ये विश्वास से नहीं कह सकता कि उनका स्वर्गवास हुआ। मेरे पिता मर जरूर गए, लेकिन वो स्वर्ग में गए या नरक में गए हमें क्या पता कहां गए। वो कहता है मेरे विचार से तो स्वर्गवास नहीं हुआ होगा उनका, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम किया ही नहीं जिससे स्वर्ग में निवास मिलता उन्हें। सोचो पहले, ये मॉडर्न कल्चर का परिणाम है। सुतीषणा के समान ही दुखदायी वित्तीषणा है। और धन हो जाए, और धन हो जाए, धन से यदि धर्म हो, धनात् धर्मः ततः सुखम्, तो उससे सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन धर्म धन से बंधा हुआ नहीं है। और मैंने देखा है अधिकांश पैसा और पाप का बहुत बड़ा संबंध है। जब पैसा आने लगता है तो पाप उसके साथ साथ आता है। मैंने उन घरों में देखा है जिन घरों में कभी प्याज अंदर नहीं आता था रसोई में, बाप नौकरी करता था ईमानदारी से, बच्चे पालता था, घर में प्याज नहीं आता था। लड़के बड़े हुए, योग्य बन करके कमाई करने लगे, पैसा आ गया, अब उस रसोई में प्याज नहीं, मुर्गे भुनते। माँ अनपढ़ थी, गृहिणी थी, देवी थी, आने वाले की सेवा करती थी। बहू आ गई पढ़ी लिखी अप टू डेट, और वो भी कॉन्वेंट की, अंग्रेजी स्कूल की। अब यदि दरवाजे पर कोई भिखारी आ जाए तो उसके लिए उसके पास दो शब्द मीठा बोलने के लिए नहीं है। और पप्पीज कहते ना,
वो कुत्ते जो छोटे छोटे होते उनको गोद में लेकर दूध पिलाएगी और सास करी वो भी एक कप चाय बनाकर दे दे, बैठी रहो अभी नौकर आएगा तो देगा, उसके लिए उसके पास समय नहीं। ये मैंने देखा अपने आंखों से, आप भी देख रहे होंगे, आप इसी दुनिया में रहते हैं, कहीं ऊपर से तो नहीं आए हैं। इसलिए ये इष्णाएं हैं, सुतितरा वितिष्णा, संतान होगी तो मेरा कल्याण होगा, धन होगा तो मेरा कल्याण होगा, और लोकिष्णा, लोग हमें अच्छा कहें। अरे भाई अच्छा तब कहेंगे जब कोई अच्छे का काम करोगे कि पहले अच्छा कहने लगे लोग। लेकिन कबीर दास जी लिखते हैं, चोरी करे निहाय की, निहाय निहाय जानते हो ना, जो लोहे का बड़ा सा होता है, लोहार जिसके ऊपर पीट पीट करके बनाता है उसको निहाय कहते हैं, अंग्रेजी में आयरन कहते हैं उसे। तो चोरी करे निहाय की, दे सुई को दान, और ऊंचे चढ़ के देखता केतिक दूर विमान। निहाय की चोरी किया और सुई का दान दिया, उसने सुना है कि दान देने से विमान आता है ले जाने के लिए स्वर्ग में, तो सुई दान दे करके कहता है कि विमान कितनी दूर है, अभी आया तो नहीं। मेरे कहने का अभिप्राय कि बुद्धि को मलिन करने वाले ये काम के तीन रूप हैं, सुत वित लोक ईषणा तीनी, कहीं करमती इन कृतन मलिनी। दुनिया में कौन है जिसकी मति को मलिन नहीं करते, यदि आ गए तो मति भ्रष्ट हो। काफिर क्या करना चाहिए, काल लोग कहते हैं मैं तीनों ईष्णा भी पालेंगे और भगवान की भक्ति भी करेंगे। तुलसीदास जी ने कहा ना भैया ये दोनों नहीं होने का। क्यों नहीं होने का जानते हो, तो उन्होंने कहा हरि निर्मल मल ग्रसित हृदय, असमंजस मोही जनावत, जहां बस काक कंक बक सूकर, तहां मराल किमियावत। कदे जिस तलैया में गीध कौए बकुले और सुअर लौटते हो, क्या उस गंदली तलैया में हंस आकर रहेगा? हंस तो मानसरोवर में रहता है। तो जहां बस काक कंक बक सूकर, लोभ रूपी गीध, कुटिलता रूपी कौआ, दंभ रूपी बकुला और काम रूपी सुअर जहां निवास करता हो, उस बुद्धि में उस हृदय में भगवान का प्रकाश कहां से आएगा? इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि छूटी त्रिविध ईषणा गाढ़ी, जब छूटी त्रिविध ईषणा गाढ़ी, तब एक लालसा उर अति बाढ़ी। जब तीनों ईषणाएं छूट गई तब हृदय में एक लालसा जागृत हुई। तो लालसा क्या है कि राम चरण बारिज जब देखूं, तब निज जन्म सुफल कर लेखूं। जब तलक वो तीनों ईषणाएं रहेंगी तब तलक ये लालसा का उदय नहीं होगा। भगवान की भक्ति की लालसा तब उत्पन्न होती है जब वो तीनों ईषणाएं समाप्त हो जाए। ये नहीं कि वो भी रहे और ये भी रहे, दोनों नहीं होते। इसलिए भगवान ने सावधान करते हुए अर्जुन को कहा कि अर्जुन याद रख ले, इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते, इस काम का अधिष्ठान निवास स्थान तुम्हारी इंद्रियां मन और बुद्धि, और इन्हीं को मोहित करके ये काम तुम्हें पतन के गर्त में ढकेल देता है। फिर क्या किया जाए, तीन ही तो साधन है, इंद्रियां मन और बुद्धि, और इनके ऊपर काम का हो गया आधिपत्य तो हम तो साधन विहीन हो गए। फिर प्रभु हम इनसे कैसे उबरे, कैसे बचें, इनसे छुटकारा कैसे मिले, और कैसे हम पाप में प्रवृत्त होने से अपने आप को अलग रख सकें,
भगवान ने कहा बेटे घबराओ नहीं, कल बावरा जी तुम लोगों को बताएंगे इस विषय में, आज उनका समय पूरा हो गया है, ठीक है ना। प्रार्थना करो नहीं समय। अच्छा चलो ये प्रार्थना हम करते हैं हमेशा, वो करो मेरे साथ। यदि प्रेम प्रभु से चाहता, यदि प्रेम प्रभु से चाहता, अभिमान को तजता तरे, अभिमान को तजता तरे, दे छोड़ सब अरमान नित, दे छोड़ सब अरमान नित, हरि नाम जप दिन रात रे, हरि नाम जप दिन रात रे, संसार के वैभव सभी, संसार के वैभव सभी, तू जान जलती आग रे, तू जान जलती आग रे, दे त्याग रे सुख स्वप्न का, दे त्याग रे सुख स्वप्न का, बीती निशाय अब जाग रे, बीती निशाय अब जाग रे, नाते सभी तन से किए, नाते सभी तन से किए, माँ बाप पुत्र कलत्रये, माँ बाप पुत्र कलत्रये, साथी सहोदर अपन पो, साथी सहोदर अपन पो, भूला फिरे लखियत्रये, भूला फिरे लखियत्रये, है व्यर्थ ही ममता किया, व्यर्थ ही ममता किया, ना अंत को संग लागरे, ना अंत को संग लागरे, तू देख आँखें खोल के, तू देख आँखें खोल के, निशाय बजाग रे, निशाय बजाग रे, प्यारे तुम्हारे प्रेम के, प्यारे तुम्हारे प्रेम के, जो पात्र हैं संसार में, जो पात्र हैं संसार में, वे जाएंगे सब एक दिन, वे जाएंगे सब एक दिन, तज के तुम्हें मझधार में, तज के तुम्हें मझधार में, साथी न होगा तन तेरा, साथी न होगा तन तेरा, जिससे अधिक अनुराग रे, जिससे अधिक अनुराग रे, तू भाग तनपुर छोड़ के, तू भाग तनपुर छोड़ के, बीती निशाय बजाग रे, बीती निशाय बजाग रे, तू तन नहीं तू मन नहीं, तू तन नहीं तू मन नहीं, ना इंद्रियां चित बुद्धि है, ना इंद्रियां चित बुद्धि है, प्राकृत गुणों के खेल में, प्राकृत गुणों के खेल में, भूला हुआ निज शुद्धि है, भूला हुआ निज शुद्धि है, करता नहीं तू कर्म का, करता नहीं तू कर्म का, अभिमान तन का त्याग रे, अभिमान तन का त्याग रे, पहचान अपने आप को, पहचान अपने आप को, बीती निशाय बजाग रे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ॐ पूर्णमदः, ॐ पूर्णमदः, पूर्णमिदं, पूर्णमिदं, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्णमेवावशिष्यते, ॐ शान्तिः, शान्तिः।